हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है भाई लेइंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर्स, की सीवर को कैसे ले किया जाता है और कैसे उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें भी हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर की, कंस्ट्रक्शन सीवर्स की कैसी होती है। सीवर जो होते हैं बच्चों हमारे, जनरली वो सर्कुलर पाइप होते हैं जिनको हमारे ग्राउंड सरफेस से नीचे ले किया जाता है, ठीक है। तो इनका हमारे पास कंप्लीट डिजाइन और ड्राइंग हमारे पास इनकी होनी चाहिए जब हम इनको बना रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमारे पास इनका कंप्लीट डाटा होना चाहिए, ड्राइंग भी और पूरी डिटेल ड्राइंग हो। और जो ड्राइंग है हमारे पास, जो डाटा है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सीवर की अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। सीवर की अलाइनमेंट का प्लान होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होना चाहिए सीवर के, डिटेल ड्राइंग होने चाहिए, जितने भी ऑपरेटर नेसेस हमारे सीवर के लगते हैं, ठीक है। पिछला चैप्टर हमने सीवर ऑपरेटर्स का पढ़ा था। सीवर ऑपरेटर्स के होते हैं वो स्ट्रक्चर जो सीवर के साथ साथ बनाए जाते हैं, जैसे कि मैनहोल हो गया, ड्रॉप मैन हो गया, फ्लशिंग टैंक हो गया, ठीक है, ट्रैप्स होगी, ग्रीस एंड ऑयल ट्रैप्स, ठीक है। ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब इसकी लेइंग ऑफ सीवर, देखो सीवर को ले कैसे किया जाता है। सीवर आर लेड डाउन सो दैट द सीवेज कैन फ्लो अंडर ग्रेविटी एंड स्लोपिंग टुवर्ड द आउटफॉल। सीवर को ले किया जाता है वो इस तरीके से, जो हमारा सीवेज है वो ऑटोमेटिकली अंडर ग्रेविटी के अंदर फ्लो कर सके, और स्लोपिंग किसको होना चाहिए, स्लोपिंग आउटफॉल की तरफ रहना चाहिए। जितने भी हमारे पाइप होते हैं उनको जर्नी ले किया जाता है हमारा, कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उनको, जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आउटफॉल से हम स्टार्ट करेंगे, आउटफॉल एंड से लेके यानी कि स्टार्टिंग तक हम लेके जाएंगे, ठीक है। आउटफॉल से स्टार्ट होता है हमारा और स्टार्टिंग एंड तक जाता है, ठीक है। और डिफरेंट पॉइंट होते हैं जो लोकेट करते हैं हम अपने प्रपोज्ड अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग, हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। और ये सारे जितने भी पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे नेसेसरी होते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है, सीवर लाइन को, ठीक है। ये तो थी बच्चे कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवर लाइन और ले कंस्ट्रक्शन क्या है, लेइंग क्या है। तो ये जो सारा सिस्टम है ये भी हमारा एक प्रोसीजर है, एकदम नियम इसको कर सकते हैं, इसकी भी स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस हैं बच्चों हमारे पास कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर हमारी लेइंग कंस्ट्रक्शन और लेइंग की जो सीवर की जो स्टेजेस हैं, पहली है सेटिंग आउट अलाइनमेंट ऑफ द सीवर, कि हम अपने जो सीवर उसके अलाइनमेंट को सेटिंग आउट करना है। उसके बाद एक्सर्वेशन करना है हमने ट्रेंच का और उसमें से डीवॉटरिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, हमें जो ग्रेडियंट होता है उसको सिलेक्ट करना होता है, बोनिंग रोड लगानी होती है, ग्रेडियंट को भी चेक करेंगे। ये काम करने के बाद जो हमारा बेड होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, हैंडल करते हैं सीवर को, जॉइंट करते हैं सीवर को, टेस्टिंग होती है सीवर की, बैकफिलिंग होती है हमारी ट्रेंचेस की, ठीक है। और उसके बाद रिस्टोरेशन करते हैं हमारे ओरिजिनल सरफेस का। तो ये सारे एक सिस्टमेटिक वे है, इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। तो पहली स्टेजेस है हमारे पास सेटिंग आउट अलाइनमेंट ऑफ द सीवर, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखो सेटिंग आउट जो होती है मेरी अलाइनमेंट सीवर की, सबसे पहली प्रोसेस होती है जब हम ले करते हैं अपने सीवर को, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा ये। उसके बाद लेइंग जो होती है मेरी सीवर की, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, डाउन स्ट्रीम से स्टार्ट होगी और अपस्ट्रीम तक जाएगी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम एंड से स्टार्ट है और अपस्ट्रीम एंड की साइड जाएगी। इट इज़ बिकॉज फंक्शनिंग ऑफ द स्कीम हैज़ नॉट वेट टिल द कम्प्लीशन ऑफ द होल स्कीम। देखो ये इसलिए करते हैं क्योंकि भाई ये जो हमारी फंक्शनिंग होती है ना स्कीम के, वेट नहीं करेंगे कंप्लीट होने का मेरा होल स्कीम का, ठीक है। इन अदर वर्ड में बात करें जो सीवर के होते हैं, हमको पुट करते हैं विदाउट एनी पेटिंग कंप्लीशन द सीवर लाइन। अब हम सीवर तो हमने डालते रहने, हम ये नहीं कि जब हमारा पूरा सीवर सिस्टम कंप्लीट होगा तभी हम डाल लेंगे, नो, सीवर हमारा डलता रहेगा, पूरी कंप्लीट प्रोसेस का वेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डाउन स्ट्रीम एंड से इसको बिछाना स्टार्ट कर देते हैं, जो मैन होल आपने बनाने हैं उस साइड से बनते आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक डिटेल मैप होता है, मैप के बगैर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। उस मैप पे हमारे पास लेवल होते हैं, ग्रेडियंट होता है, ठीक है। आप मैप से हमें पता लग जाता है कि ये मैप होगा कि वहाँ पे कैसा एरिया है, ज्योग्राफी कैसी है, कहाँ पे कटिंग होगी, कहाँ पे फीलिंग होगी, ठीक है। और जो सीवर पाइपलाइन को हम ड्रॉ करते हैं बेटे मैप पे अपने, एक सेंटर लाइन तैयार की जाती है हमारी रोड की हर एक 15 मीटर पे, ठीक है। उसके बाद जो एरिया होता है हम उसको डिवाइड कर लेते हैं अपने स्ट्रीट के अंदर, जैसे जैसे हमारा जो भी पॉइंट होगा हमारा काम उसके अकॉर्डिंग चलता जाएगा। कुछ पॉइंट हमें जब हम सेटिंग आउट करते हैं हमें वो दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले स्मॉल सीवर शुड बी लेड इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन मैन होल, जो हमारा छोटे सीवर होते हैं उनको हमने सीधा बिछाना है मैन होल के बीच में। लार्ज सीवर को हमने ले करना होता है लॉन्ग और ईजी कर्व के ऊपर। उसके बाद जितने भी मेरे सीवर होते हैं लेड होते हैं, डायरेक्शन होती है उनकी नेचुरल स्लोप की तरफ होगी, ठीक है। नेचुरल स्लोप होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फ्लो क्या होगा, अंडर ग्रेविटी में होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा अंडर ग्रेविटी में है तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे पंप करने के लिए हमारे सीवर सीवेज को। उसके बाद अब इसमें बच्चों हम रेज करते हैं अपने ड्रेनेज को बेसमेंट से लेके बेसमेंट टू इनटू सीवर पंप्स मे बी यूज्ड इन द बिल्डिंग। हम रेज करते हैं अपने ड्रेनेज को,
बेसमेंट से सीवेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है, लोकेशन होती है मेरी सीवर की, वो हमें मिनिमम कॉस्ट देती है जिससे हम अचीव कर सकते हैं आसानी से, जो हमारा इजीली और अफोर्डेबल प्राइस में हाउस कनेक्शन कर सके, ठीक है। ये तो थे बच्चों इसका स्टेजेस में क्या क्या पॉइंट हमने दिमाग में रखने थे सेटिंग आउट में। अब इसके दो मेथड है, अभी सेंटर लाइन एक चीज हमने ऊपर पड़ी थी कि मैप की ना सेंटर लाइन ड्रा करनी अपनी रोड पे हर 15 मीटर इंटरवल पे, तो अब वो सेंटर लाइन जो रिसीवर की वो कैसे ड्रा करनी, उसके दो मेथड, एक पहला मेथड एक दूसरा मेथड। तो फर्स्ट मेथड में देखते हैं भाई, डायग्राम देखते हैं बच्चों, एक स्ट्रेट लेयर लगी है, ठीक है, दोनों साइड स्ट्रेट लेयर, वर्टिकल पोस्ट है, ग्राउंड लेवल हो गया, सेंटर लाइन पे हमारा पैग लगा हुआ है, ट्रेंच जो हमारी रिसीवर की प्रपोज होगी, ठीक है। ये हमने ऑफसेट लाइन ले रखी है, मान लो ये हमारा यहाँ पे से 2 से 3 मीटर पे हमारी हो गई। अब फर्स्ट मेथड में हमें करना क्या है, इस मेथड में हमने क्या करना है बच्चों, जो हमारे पास पहला मेथड है, हमारे पास दो वर्टिकल पोस्ट होंगी, उनको हमने अपनी जमीन के अंदर ड्राइव करना है, और जहाँ पे भी हमने उसको ड्रो करना जमीन के अंदर, वो डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए कि सेंटर लाइन से कितनी दूर है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक साइड रेल फिक्स करनी है दोनों के बीच में, ठीक है, उसकी हाइट भी लगभग सेम हो जैसा ये डायग्राम में हमें शो कर रखा है। उसके बाद ये मेथड मेरा यूज होता है भाई कहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास लेवल होते हैं प्रपोज सीवर लाइन के, लेवल होते हैं सीवर लाइन के, दो वर्टिकल पोस्ट इनको जमीन में हमारी गाड़ा हुआ, एक साइड रेल लगी हुई है, ऐसे सेंटर लाइन ये रही, वर्टिकल पोस्ट ग्राउंड लेवल, उसके बाद ट्रेंस हमारी यहाँ लगभग यहाँ पे खुजेगी, सेंटर लाइन से हम सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर लाइन से हम देख लेंगे मेरी सीवर, मान लो अगर 5 मीटर चौड़ा है तो 2.5 मीटर इधर 2.5 मीटर इधर, ऐसे हम इसके एग्जर्वेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों सेकंड मेथड, सेकंड मेथड को पढ़ते हैं। एक लाइन नोन एज ऑफसेट इज मार्क इन इट्स पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस से थ्रू 2 या 3 मीटर, दिस लाइन इज यूज टू लोकेटिंग द सेंटर लाइन ऑफ द सीवर, दिस मेथड हैज एडवांटेज दैट इट कैन बी यूज साइमल्टेनियसली विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्क। ये कहता है सेकंड मेथड में हमारे पास क्या, एक लाइन होती है, उस लाइन को हम ऑफसेट कहते हैं, सर्वे में हमने पढ़ा होगा कि भाई हम सर ऑफसेट लाइन लेते थे, ऑफसेट लेते थे, ठीक है। ये पैरलर होती है मेरी सीवर की, जो सेंटर लाइन है ये हमारी ऑफसेट लाइन है भाई, ठीक है, सेंटर लाइन से हम 2-3 मीटर दूरी पर हमने ऑफसेट लाइन ली है। इसका फायदा क्या होगा, इसका यूज करके हम सेंटर लाइन जो होती है सीवर की उसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मेथड, इसमें हमारी जो ये काम हमारा जब एग्जर्वेशन चल रही होती है उसके साथ भी हम इसको कर सकते हैं।